अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा था कि वेव्स असल में होती क्या हैं, वेव्स का इंट्रोडक्शन देखा था पिछले वीडियो में आर्टिकल 12.1 में, और अभी हम देख रहे हैं कि वेव्स की टाइप्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, ये असल में दोनों मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, इसकी वजह यह है कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। बोथ वेव्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, दे रिक्वायर मीडियम। ठीक है, तो इनको मीडियम चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम कैसे देख सकते हैं कि अगर स्प्रिंग को हम बैक एंड फोर्थ मूव करें, आगे और पीछे मूव करें, तो कुछ स्प्रिंग के सेगमेंट्स कंप्रेस हो जाएंगे और कुछ स्प्रिंग के सेगमेंट्स स्ट्रेच हो जाएंगे। सही, तो हमारे पास जो वेव पल्स होगी इस केस में तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। अच्छा, और ट्रांसफर वेव को हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, और एक स्ट्रिंग को अगर डिस्टर्ब करें, ठीक है ना, तो ये कुछ हिस्सा स्ट्रिंग का ऊपर जाएगा और कुछ हिस्सा स्ट्रिंग का नीचे जाएगा, तो ये कुछ क्रेस्ट और ट्रफ बनाएंगे। तो जो क्रेस्ट और ट्रफ बनाएंगे तो वहाँ पर ट्रांसवर्स वेव्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर वो डिफरेंस बोलेगा तो डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, वो हम मैं बता भी दूंगा डायग्राम के हिसाब से। अभी आप सिर्फ थ्योरी देख लो, नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताऊँगा कि पैरेलल और राइट एंगल्स डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होता है कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन के पैरेलल मूव करते हैं, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव में ये होता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल के मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो डायरेक्शन ऑफ द वेव के राइट एंगल पे मूव करते हैं। अभी पैरेलल और राइट एंगल कैसे मूव करते हैं वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल आप इसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। अच्छा, तो यही कह रहा है कि हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है, और हमारे पास जो बाकी वाटर के अंदर जो वेव होती है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। अच्छा, वाटर वेव्स को कुछ लोग ट्रांसवर्स वेव्स में शुमार करते हैं, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च के हिसाब से वेव्स के बताया गया है कि हमारे पास वेव्स कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसकी वजह ये कि इनके पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के पैरेलल भी मूव करते हैं और परपेंडिकुलर भी मूव करते हैं, तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेव होती है वेव की, जो रीसेंट स्टडी है उसके हिसाब से। अच्छा स्टूडेंट्स, देखेंगे कि हमारे पास जो वेव्स की रिप्रेजेंटेशन है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, पार्ट ए में हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। उसमें यही होता है कि हमारे पास कुछ हिस्से में वो कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, कुछ हिस्से में कंप्रेस हो जाएंगी। देखो ये कंप्रेशन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्रेशन है, और कुछ हिस्सों में एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड का मतलब क्या है, रेयर फैक्शन, ठीक है, कंप्रेशन यानी कंप्रेस हो जाना, और एक्सपेंड का मतलब है ये रेयर फैक्शन, ये जो है ना रेयर फैक्शन, इसका मतलब कुछ पार्ट में जो साउंड वेव्स है वो फैल रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास साउंड वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रैवल करती हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसका जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन है वो अगर राइट की तरफ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो भी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन के, यानी वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी के पैरेलल मूव करेंगे, उसी के साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके साथ ही यानी कि पैरेलल मूव करते हैं पार्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, साउंड वेव्स में रिफ्रैक्शन कंप्रेशन होता है, और जो पार्टिकल ऑफ मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के पैरेलल मूव करते हैं। इसी तरह ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स हम कहते हैं, चल चुन सभी देखो कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स में ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लाइट वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, दोनों को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इसमें हमारे पास जो पार्टिकल, चल चुन यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन राइट हैंड की तरफ है, और देखो हमारे पास पार्टिकल ऊपर भी जा रहे हैं और पार्टिकल नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ, देखो पार्टिकल राइट एंगल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जो डायरेक्शन है वो ये है, जो वेव का डायरेक्शन है वो राइट की तरफ है, और हमारे पास जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ द पार्टिकल है, पार्टिकल मीडियम यानी जो हमारे ट्रांसफर वेव्स के जो पार्टिकल हैं, मीडियम ऑफ पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो टॉप भी जा रहे हैं बॉटम भी जा रहे हैं, यानी देखो ये डायरेक्शन के टॉप पे भी जा रहे हैं, वेव की डायरेक्शन के टॉप पे भी जा रहे हैं, वेव की डायरेक्शन वेलोसिटी राइट हैंड की तरफ है, और वेव की डायरेक्शन के बॉटम पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर यानी राइट 90 डिग्री आ रहा है, तो असल में 90 डिग्री पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर वेव में ये सिलसिला होगा, ये डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में।